हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। उसमें से आपको पता है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, करीब 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उसमें कौन से ऐसे टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में, कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से दिखाऊँगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जिनको करके आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों नेट क्वालिफाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना हमें ये लगता है। दोस्तों ज़रूरत है बस हमें इसकी स्ट्रेटजी को समझने की कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से बनता है, कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं नवम्बर 2017 के क्वेश्चन पेपर से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये शिक्षण एवं अधिगम से रिलेटेड है, ये आप देख सकते हैं। जैसे शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उसके उद्देश्यों के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिक्षण एवं अधिगम से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसके अंदर भी इन्होंने शिक्षण एवं अधिगम से पूछा है। शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्होंने फिर से शिक्षण एवं अधिगम के बारे में पूछा हुआ है। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है और तर्क आर दिया है, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आपको शिक्षण एवं अधिगम क्वेश्चन यानी कि ये पता है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये शिक्षण एवं अधिगम कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए यह है जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर फिर क्वेश्चन नंबर 55 में ये दोबारा से शिक्षण एवं अधिगम के बारे में पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। और 4th में है, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर इन्होंने अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बूझा हुआ है। और अब देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे ये शिक्षण एवं अधिगम रिपीट हुआ है। अब देखिए ये देखिए क्वेश्चन पेपर सितंबर 2016 का है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 53 है, इसके अंदर फिर से शिक्षण एवं अधिगम के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने। शिक्षण अधिगम से संबंधित है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर है, शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ जो बार बार रिपीट हुए हैं। अब देखिए जुलाई 2016 के अंदर भी ये रिपीट हुआ है, इसका क्वेश्चन ये रहा, देखो प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दिसंबर 2013 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 54 अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षण एवं अधिगम से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप शिक्षण और अधिगम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेते हो, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये आप अच्छे से पता कर लेते हो, तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम और क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों अब टीचिंग एप्टीट्यूड के अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम, जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं हम नवंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर से ही। इसमें देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इवैल्यूएशन सिस्टम से दिया है, यानी कि मूल्यांकन सिस्टम जो है, मूल्यांकन प्रणाली है उसमें से क्वेश्चन दिया है। और मूल्यांकन जो प्रणाली है शिक्षा के अंदर वो काफ़ी तरह की होती है, काफ़ी तरह के टाइप है उसके, 5 से 6 टाइप है, तो वो आप सभी को आने चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं इन्होंने दिया हुआ है,
ठीक है, और हम देखते हैं कि कब कब ये रिपीट हुआ है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2017 का। इन्होंने फिर से इसके अंदर मूल्यांकन सिस्टम से एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 60, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम, ये देखिए सितंबर 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर इन्होंने फिर से दिया है क्वेश्चन नंबर 57 और 58। ये देखिए रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, इन्होंने इसके अंदर दिया है। और अगला जो क्वेश्चन दिया है मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता के बारे में दिया है। ठीक है, और हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें से। अब ये देखिए जुलाई 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर चारों के चारों जो मूल्यांकन प्रणाली है उनके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं कि अगर हमने एक बार इवैल्यूएशन सिस्टम मूल्यांकन प्रणाली अच्छे से कर ली, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हमारा, तो इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं आसानी से कि बार बार इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये अब देखो ये भी आ गया इसके अंदर। ये देखिए दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। और अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ये देखिए जनवरी 2015 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर शिक्षा के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए, यानी कि ये फिर से इन्होंने मूल्यांकन प्रणाली में से इन्होंने दे दिया। ठीक है, और हम देखते हैं हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैंने पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी अपने सब्जेक्ट आते हैं उनकी सेपरेट पीडीएफ बना रखी है इस तरह से, जिनसे आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से करके पेपर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इस पीडीएफ की थोड़ी सी कॉस्ट हो सकती है। ये देखिए दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन नंबर 52 है, नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। ठीक है, तो आप दोस्तों अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे बार बार एक ही टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर अगले टॉपिक के बारे में जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। देखिए नवंबर 2017 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, प्रभावी शिक्षण यानी कि इफ़ेक्टिव टीचिंग के बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इफ़ेक्टिव टीचिंग से आज तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जनवरी 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 57 और 59, इसके अंदर 57 में देखिए शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय। ठीक है, इन्होंने ये देखिए इफ़ेक्टिव टीचिंग के बारे में पूछ लिया। ठीक है, और 59 नंबर जो क्वेश्चन है इन्होंने फिर से शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाले वाला एक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ सितंबर 2016 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 54 है इसके अंदर कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रभावशीलता से संबंधित ये क्वेश्चन आ गया। और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए जुलाई 2016 के अंदर क्वेश्चन फिर पूछ लिया इन्होंने, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्त। अब देखिए और भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इफ़ेक्टिव टीचिंग के बारे में। ये देखिए जून 2015 के अंदर फिर से इन्होंने क्वेश्चन दे दिया था, शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, और
और मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं इसी टॉपिक से, एक टॉपिक से। अब ये देखिए दिसंबर 2013 के अंदर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, 53 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए दिसंबर 2012 में भी रिपीट हुआ है, प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों किस कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों इस तरह की पीडीएफ मैंने पेपर फर्स्ट में जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं उनकी सेपरेट अलग अलग बना रखी है। 2012 से लेके 2017 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि रिसर्च में आज तक जो जो क्वेश्चन आए हैं वो अलग पीडीएफ है, टीचिंग की अलग है, कम्युनिकेशन की अलग है, सभी सब्जेक्ट की मैंने अलग अलग बना रखी है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पीडीएफ की कुछ कॉस्ट हो सकती है। अगर आप में से कोई वो पीडीएफ लेना चाहता है तो आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और मैं समय समय पर सभी सब्जेक्ट की ऐसे ऐसे वीडियो डालता रहूँगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बेल का जो आइकन है वो ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।